साइज पिजन का मिनी चॉपर आता है ना, आज देखते हैं इसका रिव्यू एंड डेमो। 400 ml कैपेसिटी की MRP तो 545 rupees है, लेकिन अमेजोन से हमें 199 में सेम डे डिलीवरी में मिल जाता है। और अगर आप ये अमेजोन से परचेज करते हो ना, तो इसका ये बॉक्स संभाल के रखना, बिकॉज इसमें 30 days की वारंटी होती है। अगर बाई चांस प्रोडक्ट ख़राब निकला तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिल जाता है। ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट चॉपर है और 30 days की इसकी वारंटी है। प्लास्टिक का कंटेनर है और स्टील के 3 शार्प ब्लेड्स हैं इसमें। यूज़ करने के लिए ब्लेड्स को सेंटर में यहाँ रखना है, और इसमें यहाँ सेफ लॉक लिड भी दिया हुआ है, तो अगर आपने इसको ठीक से क्लोज नहीं किया ना, तो वेजीज चॉप नहीं होने वाले। और इसके एक पुल से ना 21 कट्स होते हैं, तो 5-6 पुल करने से ना प्याज बिल्कुल बारीक चॉप हो जाती है, और हम इसमें कुछ भी चॉप कर सकते हैं वेजीज में, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और नट्स को भी कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, आराम से चॉप हो जाएगा। डिशवॉशर सेफ है और इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये सेफ्टी लॉक लगा के फिर फ्रिज में रख दो, प्याज व्याज की कोई स्मेल नहीं आएगी। जितनी बारीक चॉपिंग करनी है ना, इजीली कर पाओगे। 90% यूज इसका प्याज को चॉप करने के लिए होता है, वही मेन चॉपिंग टाइम खा जाती है। इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं, तो बहुत ही जल्दी सेकेंड्स में बारीक चॉपिंग हो जाती है, तो बीच में ना चेक कर लेना, बिल्कुल कुछ उम्र निकल जाएगा वरना। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि इसमें बाकी सब्जियां भी चॉप हो जाएंगी, जैसे भिंडी, गोभी, आलू, तो ये सब नहीं होता। बेसिक चॉपिंग होती है किचन की, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन चॉपिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। और इसमें आपको 400 ml से लेके 900 ml तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कुछ बिगड़ता नहीं है इसका। बस क्या होता है, 6-7 महीने के अंदर या तो इसकी स्ट्रिंग लूज हो जाती है या फिर इसकी स्प्रिंग खराब हो जाती है, फिर ये बिल्कुल बेकार, फिर आपको नया ही चॉपर लेना पड़ता है। पर उस सब को भी साइड में रखो, बहुत ही यूजफुल और हैंडी प्रोडक्ट है, हर किचन में होना मस्ट है। गिव इट अ ट्राई एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।